पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मार्कुस के सुसमाचार 6 अध्याय के 1 से लेकर 6 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। मार्कुस अपने सुसमाचार में ये जताना चाहते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, वे ईश्वर हैं। इसलिए हम पहले से लेकर 5वें अध्याय तक ईसा मसीह की शक्ति के बारे में देखते हैं। 4वें अध्याय पे वह वायु को डांटते हैं और समुद्र को शांत करते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका प्रकृति के ऊपर अधिकार है। 2वें अध्याय में देखते हैं कि अर्धांग रोगी को 4 लोग खटिया समेत लेके आते हैं और ईसा मसीह उन्हें पूरी तरह से चंगा करते हैं। तो इसका अर्थ है कि बीमारी के ऊपर उनका अधिकार है, उनके बोलने से ही बीमारी दूर हो जाती है। 3वें अध्याय में हम देखते हैं कि अपदूत ग्रस्त व्यक्ति को वे ठीक करते हैं। इसका अर्थ है शैतान के ऊपर उनका अधिकार है, वो अपदूत को निकाल सकते हैं अपने ही शब्द के द्वारा। और 5वें अध्याय में ये देखते हैं कि सभागृह के अधिकारी की पुत्री बेटी जो मर गई थी उसे ईसा मसीह जिला देते हैं, तालिता कुमी कहते हुए उसे फिर से जिंदा कर देते हैं। तो ईसा मसीह का मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है, शक्ति है। 3-4 प्रकृति के ऊपर, बीमारी के ऊपर, शैतान के ऊपर और मृत्यु के ऊपर प्रभु का अधिकार है। इससे ये मरकुस बताना चाहते हैं कि ईसा मसीह शक्तिमान ईश्वर हैं। और आज हम 6वें अध्याय में 1 से लेकर 6 तक के ईश वचन में, खास करके 6वें वाक्य में ये देखते हैं कि ईसा मसीह अपने ही गांव नासरत पर पहुंचते हैं, जहाँ की बहुत ही कम तादाद के लोग रहते थे। लेकिन उनके ही गांव में उनका कोई आदर नहीं कर रहा था और वहाँ पर ईसा मसीह ज़्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। 6वें वाक्य में कारण देखते हैं कि उनके अविश्वास को देखकर ईसा मसीह को आश्चर्य हुआ। सर्वशक्तिमान ईश्वर भी मनुष्य के अविश्वास के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु हमारे दिल के दरवाजे आना तो चाहते हैं, लेकिन दिल का जो दरवाज़ा है वह विश्वास से बना होता है, हमारे विश्वास से। हमारे दिल का दरवाज़ा, दरवाजे का नाम है विश्वास, लेकिन वो विश्वास का जो दरवाज़ा है उसे बाहर से नहीं अंदर से ही खोला जा सकता है। अर्थात यदि हम विश्वास करेंगे तभी हमारे जीवन में प्रभु आकर बस सकेंगे। हमारा विश्वास बहुत ही ज़रूरी है। बपतिस्मा के अवसर पर विश्वास हमें दान के रूप में प्रभु देते हैं, लेकिन इस विश्वास में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सबसे पहले प्रभु ने हमें दान तो दिया है, वह एक बीज के समान है, लेकिन उस बीज को यदि आगे बढ़ाना है तो सूरज का प्रकाश मिलना है, पानी मिलना है, अच्छी ज़मीन में होना है। तो हमारा सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, हमारा विश्वास अनिवार्य है। जब हम विश्वास करेंगे तभी प्रभु हमें अनंत जीवन प्रदान कर सकते हैं, हमारे जीवन में अनुग्रह दे सकते हैं। हमारी मर्जी के बिना भी प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार और बहुत बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वे हमारे मन का, हमारी आज़ादी का, हमारी मर्जी का सम्मान करते हैं। वे हमारी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम खुद भी हमारी रक्षा चाहें। हम ये चाहें कि प्रभु हमारे जीवन में आए, प्रभु हमारी रक्षा करे। हमारी अनुमति बहुत ज़रूरी है, वो हमारी आज़ादी को अहमियत देते हैं, क्योंकि हम एक रोबोट नहीं हैं, हम एक मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें उन्होंने स्वतंत्र इच्छा दी है और उस इच्छा का सही इस्तेमाल हमें करना है और हमें प्रभु को चुनना है। विश्वास के दरवाजे को प्रभु के लिए खोलना है ताकि प्रभु हमारे दिल में और मन में आ बसें। हो सकता है कि हमारे विश्वास के जीवन में
संदेह आए, डाउट्स आए, शंकाएं आए, वो तो स्वाभाविक है। हमें उससे नहीं घबराना है, हमें सिर्फ किस बात से सावधान रहना है, हमें अविश्वास से सावधान रहना है। डाउट्स तो हो सकते हैं, शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन अविश्वास नहीं होना चाहिए। मैथ्यू के सुसमाचार के 14वें अध्याय में जब पेत्रू समुद्र के ऊपर चलने की कोशिश करता है, पहले तो वह चलता है लेकिन फिर उसे संदेह होता है और वह नीचे गिरने को होता है, तब प्रभु उसे बचाते हुए कहते हैं कि अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? हो सकता है कि हम अल्पविश्वासी हैं, हो सकता है कि हमारे मन में संदेह हैं, उससे हमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, तो भी प्रभु हमें बचा सकते हैं, लेकिन हमें डरना है और सावधान रहना है अविश्वास से। अविश्वास का अर्थ ये है विश्वास करने से इनकार करना, अपने दिल को कठोर बना लेना। तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन तो ये समझ रहा है कि जो ईसा मसीह कर रहे हैं वो सही हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बात को नहीं मानना और विश्वास करने से इनकार करना। आज के सुसमाचार में अविश्वास करने का पहला कारण हम ये देखते हैं कि सालों से जो हमने सोच बनाई है उससे पीछे हटने से इनकार करना। बहुत सालों से हम एक बात को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और मान रहे हैं, तब एक नई बात यदि सत्य हमारे सामने आए तो उसे स्वीकार करने से इनकार करना। उदाहरण के लिए नासरत जैसी छोटी जगह पर ईसा मसीह को उन्होंने बढ़ाई के रूप में देखा था, कारपेंटर के रूप में देखा था, एक मामूली इंसान की तरह समझा था, लेकिन अभी वे बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो इतने साल से उन्होंने ईसा मसीह के बारे में एक मन में ख्याल रख दिया है कि एक सादा सा इंसान है, तो इसके ज्ञान को देखते हुए भी वो मानने को ही तैयार नहीं हो रहे थे, बड़े बड़े चमत्कार को देखते हुए भी वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कि वे ईश्वर के पुत्र हो सकते हैं, कि वो मसीहा हो सकते हैं, क्योंकि नासरत जैसी छोटी जगह से कहाँ मसीहा आएंगे। ये था उन लोगों का सालों का ख्याल और उनका सोच, इससे पीछे हटने को वो मना करते हैं। ये उनके अविश्वास का पहला कारण है। अविश्वास का दूसरा कारण घमंड या ईर्ष्या भी हो सकता है। इसलिए ईसा मसीह चौथे वाक्य में कहते हैं कि अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। सत्य उनके सामने खड़ा हो उसके बावजूद वो सत्य से अपनी नज़रें चुराते हैं और सत्य से परे हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और अविश्वास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अविश्वास के कारण ईसा मसीह वहाँ पर चमत्कार नहीं कर पाए ऐसा लिखा है, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि ईसा मसीह ने वहाँ चमत्कार नहीं करना चाहा, क्योंकि चमत्कार कितने भी करो यदि तुम एक बात को मानने को तैयार नहीं हो तो चाहे 100 बार हम उसकी कोशिश क्यों ना कर लें, कुछ लोग अपने मन को इतना कठोर बनाते हैं कि चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ भी करें, वो उस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते। तो ईसा मसीह यदि वहाँ पर कितने भी बड़े चमत्कार क्यों नहीं करते, उनका अविश्वास और मजबूत होते ही जाता। यह मैथ्यू के सुसमाचार 11वें अध्याय के 20 से लेकर 24 तक के वाक्यों में देखते हैं। ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। तो आए आज हम प्रार्थना करें कि हम कभी भी अविश्वास में ना पड़ें। यदि हम अल्पविश्वासी हैं या फिर हम शंका या संदेह करते हैं, तो हम यदि प्रभु की ओर मुड़ें तो प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं, हमारी शंकाएं हमारे संदेह को दूर कर सकते हैं। लेकिन जब हम अविश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करना चाहते, जब अपने मन को कठोर बना लेते हैं, तो हम प्रभु को अपने दिल में अपने मन में आने से रोकते हैं, दरवाजे को अंदर से बंद करके रखते हैं। प्रभु चाहें तो उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे हमें प्यार करते हैं।
और प्यार में ज़बरदस्ती नहीं की जाती, प्यार में आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, दूसरे की मर्जी की इज्जत की जाती। तो प्रभु हमारे दिल के दरवाजे को विश्वास के द्वारा खोलने के लिए कहते हैं, पुकारते हैं और बहुत ऐसे बड़े काम हमारे जीवन में करते हैं कि ताकि हम खुशी खुशी उनके लिए अपने दरवाजे को खोलें। लेकिन यदि हम हर बात को नज़रअंदाज करते रहें, सब कुछ सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, अपने जीवन में बहुत से अनुभव होने के बावजूद यदि हम प्रभु को ना कहते हैं तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही हम प्रकाशना ग्रंथ के 3:20 में पढ़ते हैं कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो आए हम अपने दिल के दरवाजे को विश्वास के द्वारा खोलें ताकि प्रभु हमारे दिल में आकर बस सकें और हम प्रभु के हो जाएं।